हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स की अपकमिंग मूवीज के बारे में, लाइव एक्शन टीवी सीरीज और एनिमेशन टीवी सीरीज के बारे में। ये सारे अपडेट हमें पता चले द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी इन्वेस्टर डे 2020 में, जिसमें कि आप सब जानते हो कि स्टार वॉर्स को देखना है तो उसका यूनिवर्स का पता होना जरूरी है और फ्यूचर प्रोजेक्ट भी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो इन्वेस्टर डे 2020 में सबसे पहले जिसके बारे में हमें पता चला वो था लैंडो स्टार वॉर्स टीवी सीरीज, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। पर ये लाइव एक्शन है या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ जो नेक्स्ट टीवी सीरीज है वो है स्टार वॉर्स विजन। ये किस कैरेक्टर पे बेस्ड होगी अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, पर जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। देन उसी के साथ अगली ऐसी एनिमेशन टीवी सीरीज है जिसका टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है, स्टार वॉर्स बैड बैच, जो कि क्लोन वॉर के बाद की दिखाई जाएगी, मे बी जहां तक अपडेट आए हैं। उसी के साथ एक फीमेल कैरेक्टर पे बन रही है टीवी सीरीज स्टार वॉर्स एकोलेट, जो कि एक एनिमेशन टीवी सीरीज होगी और ये भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगी। उसी के साथ एक और एनिमेशन टीवी सीरीज जिसका नाम है द ड्रॉइड स्टोरी, जो कि C3PO और RT-D2 पे बेस्ड होगी। इनके कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से बताया जाएगा, इनकी एंडिंग और स्टार्टिंग कैसे हुई। फिर उसके बाद एक लाइव एक्शन मूवी स्टार वॉर्स रोग स्क्वाडन, जिसे डायरेक्ट कर रही है वंडर वुमन डायरेक्टर प्रीति जैक्सन, जिन्होंने बहुत ही कमाल की वंडर वुमन मूवी हमें दी DC कॉमिक्स यूनिवर्स की, और देन अब वो स्टार वॉर्स यूनिवर्स की इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ अगली लाइव एक्शन टीवी सीरीज ओबी वैन केनोवी, जो कि मैं कह सकते हो आप मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, और ये 2022 में रिलीज होगी। उसी के साथ ओबी वैन केनोवी में एक और अपडेट ये भी आया है कि आपको डेड वेडर भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो एनेकित दोबारा से रिटर्न हो रहे हैं, और जब ये अपडेट आया था तो एनिकित जो ऑफिशियली इसकी कास्ट है वो स्टार वॉर्स के सेट पर गए और उन्होंने ये पिक खींच के डाली, तो यानी कि कंफर्मेशन है कि हाँ वो इस कैरेक्टर के लिए रिटर्न होंगे। उसी के साथ लाइव एक्शन एक और टीवी सीरीज एंडोर, जो कि सोलो और रोग वन के बाद ही होगी, और देन ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा और ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी। उसी के साथ एक और लाइव एक्शन टीवी सीरीज जिसका नाम है रेंजर ऑफ द न्यू रिपब्लिक, जिसमें कि हमें सारे ऑर्डर्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार वॉर्स यूनिवर्स में। उसी के साथ स्टार वॉर्स अशोका, जो कि मैंडोलिन सीजन के बाद हमें देखने को मिलेगी, और देन ये काफी कमाल का होने वाला है लाइव एक्शन। उसी के साथ दी मैंडोलिन सीजन 3, जो कि 2022 में रिलीज होगी, और देन सीजन 3 ऑफिशियली कन्फर्मेशन हो चुका है। उसी के साथ एक और टीवी सीरीज जो कि इस साल 2021 में रिलीज होगी, जिसका नाम है द बुक ऑफ बोबा फेट, जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और देन ये रिटर्न हुआ है मैडलिन सीजन से। अभी कैसे रिटर्न हुआ उसके लिए आपको टीवी सीरीज देखना जरूरी है। उसी के साथ इस टीवी सीरीज में हमें शायद मे बी थ्रोन भी देखने को मिल सकते हैं, और देन इसका कैरेक्टर का रूमर आ रहा है रॉबर्ट डॉनी जूनियर का। तो गाइस ये तो वो स्टार वॉर्स यूनिवर्स के अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट टीवी सीरीज लाइव एक्शन मूवीज, और देन इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।